तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। जी हाँ, एक्सेल वीबीए माइक्रो प्रोग्रामिंग में, सॉरी एक्सेल फॉर्मूले की क्लासेस में, वैसे मैं इससे पहले माइक्रो क्लासेस ली थी इसलिए माइक्रो क्लासेस याद है सब। एक्सेल की फॉर्मूले की क्लासेस में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे डेट एंड टाइम की कैलकुलेशन। सबसे पहले जा रही है सिस्टम में जो डेट हम लिखते हैं कैसे लिखते हैं। देखिए, डेट लिखने का तरीका है सिस्टम के अंदर में, वो है कि पहले हम मंथ लिखते हैं, फिर हम डेट लिखते हैं। आज की डेट 13 है। अगर डेट आपका करेंट ईयर का है तो एंटर मार दीजिए, अगर भाई प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर की है तो फिर आपको प्रीवियस या नेक्स्ट ईयर का डेट डालना पड़ेगा। उसके बाद इसमें से आप जो है डेट आपका ये हो गया। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हमारा जो है सिस्टम दो तरह का डेट होता है, MMDDYY, मतलब कि मंथ डे फिर ईयर, जो कि अभी आपने लिखा है, मैंने लिखा है यहाँ पे। लेकिन बहुत सारे जगहों पे, बहुत सारे कंट्री में होता है DDMMYY, डेट मंथ ईयर, मतलब कि जिसके सिस्टम पे DDMMY फॉर्मेट होगा तो वहां अगर मैं यहाँ पे मान लीजिए 6-7 रखूं तो 6 जो है उनका बन जाएगा डेट और 7 बन जाएगा जुलाई, मतलब कि डेट हो जाएगी 6 जुलाई। लेकिन अगर मेरे सिस्टम पे क्या होगा, वो होगा 7 जून, क्योंकि 7 हमारा डे होगा और 6 हमारा मंथ होगा। तो ये कंफ्यूजन रहती है हमेशा। तो कभी भी किसी को डेट आप भेजे तो डेट के फॉर्मूला में लगा ले, मतलब कि ऐसी प्रॉब्लम हो रही है कि डेट फॉर्मेट का कि MMDDYY का चक्कर चल रहा है, तो आप क्या करें, आप डेट को 3 पार्ट में करें, 2019, 5, 13। अब ये डेट जिस सिस्टम पे जाएगा उस सिस्टम के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, लेकिन ये तो मैनुअली लिखना पड़ा। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है ईयर का, जो कि इसमें से ईयर को एक्सट्रैक्ट करता है। दूसरा फॉर्मूला है हमारे पास मंथ का, जो इसमें से मंथ को एक्सट्रैक्ट करता है। उसके बाद फॉर्मूला है हमारे पास डे का, जो कि इसमें से डे को एक्सट्रैक्ट करता है, और फिर वापस डेट के फॉर्मूले में हम तीनों को कंबाइन कर सकते हैं कि ईयर, महीना एंड डेट। इसका यूज मैं आगे भी बताऊंगा। और दूसरी चीज है कि अगर आपने टुडे का फॉर्मूला लगाया तो आपके करेंट सिस्टम डेट दिखेंगे। टुडे का फॉर्मूला क्या करता है, एक मिनट, इक्वल टुडे। टुडे का फॉर्मूला आपका करेंट सिस्टम डेट शो करता है। जी हाँ, करेंट सिस्टम डेट। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि मेरे पास अगर कोई डेट है, उस डेट में कुछ दिन जोड़ने से मैं चाहता हूं कि जो आज की डेट से 15 दिन बाद कौन सी डेट हो, आज के डेट के बाद 15 दिन बाद कौन सी डेट होगी मुझे पता करना। तो उसके लिए जस्ट हम क्या करेंगे, जो हमारी डेट है उसमें प्लस 15 कर दें, आपका डेट आ जाएगा। लेकिन मुझे अगर मतलब कि आपको डेट ऐड करना है तो जनरली सी डेट को ऐड कर सकते हैं, उसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा। लेकिन मुझे महीना ऐड करना हो तो महीना ऐड करना, ऐसा नहीं करना है कि आपको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दीजिए और महीना ऐड कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाय 30 कर दीजिए और महीना ऐड कर दीजिए, एक गलत हो जाएगा। कैसे ऐड करेंगे, तो हम इसको ई डेट का फॉर्मूला से करेंगे। ई डेट
ई रेट, ई रेट में डेट और यहां पे हम थ्री कर देते हैं। और कंट्रोल सी एंटर। ठीक है, अब माइनस करना हो तो माइनस थ्री कर दो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डेट में मुझे 2 साल 4 महीने और 30 दिन ऐड करने हैं, मुझे किसी एक डेट में, तो ऐसा कुछ करेगा सिस्टम तो नहीं है, लेकिन ऊपर जो फॉर्मूला में डेट और ईयर मंथ का बताया है उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। कैसे? हम यहां पे लिखेंगे डेट का फॉर्मूला, इसमें से ईयर, ईयर को अलग करेंगे, मतलब इसे 2019 अलग होगा, इसमें प्लस 2 ऐड हो जाएगा। इसी तरह से मैं इसमें से मंथ को अलग करूंगा और इसमें प्लस 4, और ऐसे हम यहां पे डे को अलग करूंगा और इस डे में हम कर देंगे प्लस 30। रिजल्ट आपके सामने है। तो एक डेट में एक पर्टिकुलर डे, पर्टिकुलर मंथ एंड एक पर्टिकुलर पीरियड आप ऐड करना सीख गए। कोई डाउट इसमें? नो सर। अब चलिए, अब सब्ट्रैक्ट की बात आई कि दो डेट के बीच की डिफरेंस कैसे निकाला जाए। तो डिफरेंस निकालने के लिए सिंपल लेटेस्ट डेट माइनस ओल्डेस्ट डेट करेंगे, डिफरेंस नंबर ऑफ डेज में आ जाएगा। लेकिन मान लीजिए डिफरेंस के लिए आपके पास एक सिस्टम का फॉर्मूला भी है, सी डेट डेज का, सॉरी डेज, डेज में आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर ले कॉमा और स्टार्ट, नहीं एंड डेट एंड स्टार्ट डेट, माफ कीजिए हमने गलत कर दिया, एंड डेट एंड कॉमा स्टार्ट डेट। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें से सैटरडे एंड संडे इग्नोर चाहिए, तो नेटवर्क डेज का इस्तेमाल करेंगे, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और इसमें आपका जो छुट्टी का लिस्ट होता है ना, जैसे कि सैटरडे संडे के अलावा 26 जनवरी, 15 अगस्त, ऐसे जो छुट्टी है, ऐसे छुट्टी का लिस्ट आप सिलेक्ट करें, और वो लिस्ट जरूरी नहीं है इन दो डेट का बीच का ही, और पूरे ईयर का लिस्ट आप डाल के दें। ठीक है, लेकिन मुझे इसमें से सिर्फ संडे या सिर्फ सैटरडे या अलग अलग ईयर पीरियड करना है, तो उसके लिए होता है नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, नेटवर्क डेज डॉट आई एन टी एल, और इसमें मेरा स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा आपका वीकेंड्स,
कौन सा वीक है, जैसे मैं सिर्फ संडे ओनली है तो संडे पे सिलेक्ट किया, या संडे का नंबर दे दीजिए और आपका वो हॉलीडे लिस्ट सैटरडे संडे के अलावा कोई है तो वो भी सिलेक्ट कर सकते। क्लियर है सर? तो networkdesk.intl आपका 2013-16 में मिलेगा, 19 में मिलेगा, बट नेटवर्क डेज जो है आपको 2007 में भी मिल जाएगा, 10 में भी मिल जाएगा। डॉट आई एन टी मतलब इंटरनेशनल होता है। तो ये तो हो गई डिफरेंस निकालने की। अगर आपके पास डिफरेंस है, मान लीजिए आज के दिन मैंने एक बैंक को एक रिक्वेस्ट दिया, बैंक ने बोला कि 15 वर्किंग डेज लगेगा, तो आफ्टर 15 वर्किंग डेज जब बैंक हमारा सैटरडे संडे या हॉलीडे को बंद होता है, तो उस केस पे हम यूज करेंगे फॉर्मूला वर्क डे, वर्क डे स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेज, और आप अपना हॉलीडे लिस्ट सेलेक्ट कर। आपका डेट आ जाएगा। लेकिन सैटरडे संडे के अलावा अगर किसी और दिन बंद है तो आपको यूज करना पड़ेगा workday.intl, जिसमें आप सिलेक्ट करेंगे स्टार्ट डेट कॉमा नंबर ऑफ डेट और अपना हॉलीडे। क्लियर है सर? कोई डाउट इसमें? हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ सुजीत, उसमें मुझे मैक्सिमम डेट, मेरे पास 5-6 डेट होगा, उसमें मुझे लेटेस्ट डेट ढूंढना है और उसके बाद में उससे छोटा वाला डेट ढूंढना है, तो उसके लिए एक मिनट। अगर आपके पास कई सारे डेट्स हैं, आपको सबसे हाँ, लेटेस्ट डेट चाहिए तो आप हाँ, यूज हाँ, लेटेस्ट और उसके बाद में सेकंड लेटेस्ट होगा, दो डेट चाहिए। मैक्स फॉर्मूला चाहिए मैक्सिमम के लिए और मिन फॉर्मूला चाहिए मिनिमम के लिए, ठीक है? लेकिन आपको चाहिए कि लास्ट एंड सेकेंड लास्ट, सेकेंड लास्ट, हाँ। तो उसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा लार्ज फॉर्मूला। लार्ज इसको सेलेक्ट कीजिए एंड कॉमा वन मतलब की लास्ट, और फिर यहां पे मैं लार्ज फॉर्मूला दिया। सेकेंड लास्ट जो भी हम नंबर डालेंगे वो आपका दिख जाएगा, नंबर में होगा, इसको डेट में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और कुछ पूछना है? ओके, 12 और 11 नहीं सर, यही चाहिए था, सेकेंड लार्जेस्ट कैसे ढूंढने का वो पता नहीं था। ठीक है, अब इसमें अगला, हाँ इसमें अगला जो आता है वो आता है इसमें कि मैं कोई भी एक डेट डालता हूँ, मुझे इस महीने की लास्ट डेट पता होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है ईओ मंथ, मतलब कि एंड ऑफ मंथ। एंड ऑफ मंथ इसको सिलेक्ट किया और कॉमा जीरो दिया तो मुझे इस महीने का लास्ट डेट पता चल जाएगा। तो लास्ट डेट पता क्यों करना होता है? क्योंकि हर महीने का अलग अलग लास्ट डेट होता है, 30 तारीख, 31 तारीख,
28 तारीख, 29 तारीख, ठीक है सर। तो आप अगर कोई मंथ देते हैं, उस मंथ का रिपोर्ट चाहिए होगा, तो उस केस में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है सर। यस सर। तो ये डेट की कैलकुलेशन थी, इस पर आप प्रैक्टिस कीजिए। कल की क्लास में हम आपको टाइम की कैलकुलेशन बताएंगे, ठीक है? और कोई डाउट वगैरह है, क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं। एक क्वेश्चन है सर, टेक्स्ट फॉर्मूला का। आप पूछिए। रिप्लेस और सब्स्टिट्यूट में डिफरेंस पूछने में। क्या? सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला और रिप्लेस फॉर्मूला में डिफरेंस। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला क्या करता है कि किसी करेक्टर के अकॉर्डिंग रिप्लेस करता है। जैसे कि मान लीजिए कि राम को रवि से रिप्लेस करना है, तो जहां जहां राम होगा वहां वहां उसको रवि कर देगा, चाहे राम एक बार हो चाहे 100 बार हो, ठीक है ना। और रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि पोजीशन से, कि चौथा करेक्टर से 3 करेक्टर को रिप्लेस करना है फलाने करेक्टर से, तो चौथे करेक्टर पे कुछ भी करेक्टरों से मतलब नहीं है, बस अब 4 करेक्टर अलग करते हैं, ठीक है? ठीक है, ठीक है। और कुछ डाउट है? पर ये एक ही सेल पे लगते हैं दोनों। हाँ ठीक। हेलो सर। हाँ जी सर, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा था आपको। वो मेरा एक एक्सेल फाइल है जिसमें मुझे कुछ इंसर्ट करना था, वो बाय डिफॉल्ट अनसेलेक्टेड आ रहा है, कुछ रीजन से वो सेलेक्ट नहीं हो पा रहा है। फाइल नहीं भेजा सर, खाली आपको मैंने ऑडियो मैसेज भेजा था, क्योंकि आपने बोला था ना आंख में देख नहीं सकते, इसलिए मैंने ऑडियो मैसेज भेजा था कि सुन के आप रिप्लाई कर सको। अब फाइल को फाइल या सैंपल फाइल भेज देना, तो देखूंगा तो मैं उस पर रिप्लेस कर दूंगा, चेक तो करूं कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। मैं भेजूं सर आपको? हाँ भेज दीजिए, मैं चेक करके रिप्लाई कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू।